हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरयाल इंग्लिश क्लासेस। नरयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, तो पहले वर्ब को हम समझते हैं कि वर्ब होता क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, उनको कैसे पुकारा जाता है, ये हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वर्ब की फॉर्म दे रखी है। आई हैव रिटन टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब हेयर, अटैक एंड ब्रिंग। तो अटैक, अटैक्ड, अटैक्ट, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो अटैक, अटैक्ड, अटैक्ट, और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो मैंने पहले बताया इसको जेरेंड कहेंगे, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो वर्ब की आपकी जो फॉर्म होगी वो कौन कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब जो फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है वर्ब की, उसको हम बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम बेसिक फॉर्म भी कह देते हैं और साथ में इसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कह देते हैं। और जो सेकंड फॉर्म आपकी होती है उसको हम पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो ये तो थी वर्ब की तीन फॉर्म, जिनको हम प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से हम जानते हैं। और जब आईएनजी लगा हो तो उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, या जेरेंड का नाम इनको दे देते हैं। तो ये तो थे वर्ब की तीन फॉर्म। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी अटैक, तो इसकी सेकंड फॉर्म थी आपकी अटैक्ड, थर्ड फॉर्म थी अटैक्ट। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म को आपने ईडी यहाँ पर अटैच किया एज अ सफिक्स, और इसमें भी ईडी आपने अटैच किया एज ए सफिक्स विद द वर्ड अटैक। तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्ब के साथ ईडी जो है वो लगाया जाएगा, उनको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना। दोज वर्ब्स हुज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर फॉर्म्ड बाई एडिंग डी और ई डी टू द एंड ऑफ वर्ब, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब किसको कहेंगे? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लास्ट में डी या ई डी लगाएंगे, जैसे अटैक्ट, अटैक्ट। लुक आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो इसके साथ आपने ई डी लगाया, लुक्ड, लुक्ड, तो ये आपका हो गया आपका रेगुलर वर्ब। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जितनी भी वर्ब हैं उसकी लगभग 70% वर्ब से भी ज़्यादा जो है वो आपकी रेगुलर वर्ब होती हैं। तो रेगुलर वर्ब को याद करना बेहद आसान है। इनको हम इजीली ईडी साथ में लगाकर हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो हम बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर वर्ब, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न रेगुलर वर्ब। ऑन द अदर हैंड, इरेगुलर वर्ब किसको कहेंगे? इरेगुलर वर्ब्स आर दोज हुज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डू नॉट टेक ईडी फॉर देयर एंडिंग। अब जो आपकी इरेगुलर वर्ब होती है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के साथ अगर आप ईडी लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ये डिफरेंट होती है। जैसे ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, जैसे डू, डिड, डन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके साथ, जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज करेगा वहां पर आप ईडी जो वर्ड है वो अटैच नहीं कर सकते। वो जो वर्ब्स होंगी उनको हम इररेगुलर वर्ब का नाम देंगे। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल येट, देन सब्सक्राइब इट राइट नाउ टू गेट ऑल माई लेटेस्ट वीडियो बाई प्रेसिंग द बेल आइकन। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।